सिकंदरा में क्या मामला है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, 30 जुलाई 2020 को एक शिशुपाल नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सिकंदरा में लिखी गई थी। उसी के क्रम में जब उसका मोबाइल डिटेल्स और सारी चीज़ें सर्विलांस की मदद से थाना सिकंदरा और उनकी टीम ने, इंस्पेक्टर की टीम ने जब इसका एनालिसिस न किया, तो उनको पता चला कि इसके संपर्क में एक सोनवीर नाम का व्यक्ति है। सोनवीर का और शिशुपाल का किसी न के तरीके का लेन देन का भी उनका बिजनेस था, उनके साथ में काम करते थे। और सोनवीर का ये कहना है कि शिशुपाल के उसके पत्नी से अवैध संबंध थे, इसी के चलते उसने उसको न घर पे बुलाया और वहाँ से कहीं एक जगह पे, सुनसान जगह पे लेके गया और वहाँ पे इसके कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन न मिला के उसको, उसकी हत्या वहाँ पे की न कर दी गई। एक नवनिर्मित बिल्डिंग के गटर में उसकी बॉडी अनकट डाली गई। उसी के निशादेही पे सर्विलांस और सारी चीज़ों की मदद से बॉडी को भी रिकवर न किया गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।